चीन में अभी नया वायरस आ गया जिसका नाम है हंटा वायरस। पहले से कोरोना वायरस से दुनिया उभर नहीं पाया, अब फिर से नया एक वायरस तैयार कर लिया। कुछ ऐसा लग रहा है जो पूरा दुनिया में वायरस फैलने का ठीक असर चीन में ही लिए रखा है। अभी तक ये वायरस का लक्षण कोई भी दूसरे देश में नहीं मिला है, सिर्फ वो जो चीन है चीन में ही मिला है। पहले से तो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और ऐसे हालत में और नया एक वायरस को मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो काम हो जाते हैं। अभी तक चीन में कोरोना जैसे खराब हालत नहीं कर पाया हंटा वायरस ने, लेकिन इतना ज्यादा करके बढ़ रहा है तो कोरोना वायरस जैसे इसके उपसर्ग कुछ एक ही तरह है। कोरोना वायरस में जैसे सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा होते हैं, इसमें सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो रहा है, इसमें सिर दर्द संडस उल्टी का लक्षण सबसे ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है फ्रेंड, ये डायरिया का लक्षण में जा रहा है। अगर सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो मौत हो रहा है। एक बात फ्रेंड बता दूं, ये जो वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, ये जो वायरस फैला है फ्रेंड सुहा से, सुहा का माना जा रहा है जो चूहा का संडस हाथ में लगाने के बाद अगर वो हाथ नाक में मुंह में किसी भी तरह लग जाते हैं तो ये जो हंटा वायरस होने का संभावना ज्यादा रहते हैं। चाइना में हंटा वायरस होने का बाद फ्रेंड वो जो बस में जा रहे थे वो बस का सभी यात्री को चेकअप किया गया है, लेकिन एक को भी वो हंटा वायरस का लक्षण नहीं मिला था, सिर्फ एक ही आदमी सो गए। तो इसमें माना जा रहा है जो ये वायरस फ्रेंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं जा रहा है। लेकिन फ्रेंड ये वायरस भी बहुत ज़्यादा घातक होते जा रहा है, घातक साबित होते जा रहा है। सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो बहुत ही खराब लक्षण दिखाई दे रहा है इसमें, तो किसी भी टाइम पे भी मौत होने का संभावना रहता है। लेकिन फ्रेंड ये अभी तक कोई भी दूसरा देश में नहीं मिला, चीन छोड़ के चीन में पहले ये जो वायरस है ये पाया गया। तो फ्रेंड ये वायरस तो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा है, तो अभी का टाइम पे ये लेके ज़्यादा टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऐसे सिर्फ जानकारी ले सकते थे अभी तो ये वायरस है क्या क्या कर रहा है, क्या हरकम मचा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में ये वायरस नहीं मिला है, आप निश्चित रह सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्स तो फ्रेंड अभी तक नहीं मिला है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल्स मिल जाए तो आपको तुरंत अपडेट देते रहूँगा। आपके पास इससे ज़्यादा डिटेल्स है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर देना मेरे साथ। तो फ्रेंड हमेशा इसका अपना अपडेट मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा हमारे साथ में रहना। नमस्कार।